फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये मेरा हिबिस्कस का फ्लावर प्लांट है। इसमें देखिए आप कलियाँ ही कलियाँ हैं फ्रेंड्स, और ये जो फूल बंद पड़े हैं अभी खिले नहीं हैं, थोड़ी देर में खिलेंगे। आज मौसम ख़राब है इसलिए ये सुबह कलियाँ नहीं खिली है। वैसे तो कलियाँ खिल जाती हैं लेकिन आज काफ़ी हवा चल रही है और थोड़ा मौसम ठंडा भी है, इस वजह से इसकी कलियाँ नहीं खिली है। अब थोड़ी देर में जैसे ही कलियाँ खिलेगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा जो प्लांट है वो कितना खूबसूरत लगता है जब कलियाँ खिल जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे जो प्लांट में अब थोड़ी देर बाद ये कलियाँ कैसे खिली हुई है और कितना अच्छा लग रहा है। और फ्रेंड्स, इससे मैंने हज़ारों फूल ले लिए हुए हैं। इस बार भी इसमें बहुत सारी जो वर्डिंग है वो बहुत हुई है और फ्लावरिंग भी बहुत हुई है, मैंने काफ़ी रिमूव भी कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी जो केयर है, जो रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं उसमें दे दूंगी। आप देख सकते हैं मैंने कैसे इसको रिपोर्ट किया है, और जब रिपोर्ट किया तो इसके लिए मैंने खाद कौन कौन सी इसमें डाली हुई थी। फ्रेंड्स, इसमें कोई इंसेक्ट का अटैक नहीं हुआ था, एक बार माइट का अटैक ज़रूर हुआ था, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ये प्लांट जो मेरा है बहुत हेल्दी है। इसमें जब से मैंने नर्सरी से ये लिया है फ्रेंड्स, तब से एक बार ही इसमें अटैक हुआ है और बहुत ही हेल्दी प्लांट है। इसके बहुत सारे ग्रीन लीफ है फ्रेंड्स, मैंने कोई फिल्टर नहीं लगाया है, और इसमें देखिए आप कितनी ग्रीनरी है। तो फ्रेंड्स, इसकी जो केयर है, रिपोर्टिंग तो मैं लिंक आपको दे दूंगी, लेकिन केयर उसके बाद मैंने कैसे की है, मेरे जो एक्सपीरियंस है इतने वर्ड्स आने का, मैंने क्या क्या किया है कि उसके बाद मैंने केयर किए हैं। अभी तक फ्रेंड्स कोई मेरा वर्ड्स गिरा नहीं है, येलो नहीं हुए हैं। हाँ, येलो पत्ते ज़रूर हल्के हल्के जो ओल्ड पत्ते होते हैं फ्रेंड्स वो येलो होके थोड़े थोड़े गिर जाते हैं, लेकिन इसके सारे पत्ते हमें रिमूव करने हैं, येलो पत्ते हमने नहीं रखने हैं। अगर हम रखते हैं तो दूसरे पत्ते भी येलो होना शुरू हो जाते हैं, दे इसको दूसरे येलो पत्ते के साथ साथ देखते देखते सारे पत्ते हमारे येलो हो जाते हैं, वो हमने नहीं रखना। उनको हम पानी है, हमें इसकी मिट्टी को मॉइस्चर जरूर रखना है, लेकिन हमने मिट्टी सौगी नहीं करनी है और उसको में ज़्यादा पानी ठहरना भी नहीं चाहिए। हमारी मिट्टी में जितना भी है पानी, जैसे बारिश होती है रिमूव होना चाहिए जब हम पानी देते हैं, तो वो बिल्कुल चिकनी मिट्टी की तरह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपको शाइन दिखे मिट्टी में, पानी दिखे ऊपर तैरता हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए मिट्टी। जैसे हम पानी देते तो हमारा पानी उसमें वो मिट्टी ऑब्जर्व करे अच्छे से, और जैसे हम उसको टच करें थोड़ी देर में तो हमारी मिट्टी भुरभुरी हो जाए। तो इस तरह की हमने मिट्टी बनानी है। उम्र का समय आ गया है फ्रेंड्स, तो पानी तो इसको सुबह शाम डेली चाहिए ही है, तो ज़्यादा पानी हमने नहीं देना, लेकिन मिट्टी को मॉइस्चर में बनाए रखना ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर इसकी मिट्टी ड्राई हो जाती है, कम पानी मिलता है और ज़्यादा पानी मिलता है, तो इसके जो पत्ते हैं वो येलो होना शुरू हो जाते हैं, बर्ड्स भी येलो होके गिर जाते हैं फ्रेंड्स। एक एक ml हर हफ्ते माइक्रो न्यूट्रिएंट का इसमें आपने स्प्रे भी करना है और मिट्टी में भी देना है। बात करते हैं PGR की, PGR वाइविटा एक्स भी ले सकते हैं, कोई और PGR भी आप ले सकते हैं। 2 ml आप ले सकते हैं 1 लीटर पानी में, और 7वें दिन में आप उसको स्प्रे कर सकते हैं एक टाइम। और इसके जो लीफ और फ्लावर का जो साइज़ है वो बहुत ही अच्छा होगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जब हम जो विंटर का सीज़न होता है, हम मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं या पाउडर फॉर्म में देते हैं फ्रेंड्स, तो अगर आपने देना ही है मस्टर्ड केक तो आप पाउडर फॉर्म में दें, लिक्विड फॉर्म में आप ना दें, तो अब ये फंगस लगने के बहुत चांसेस होते हैं फ्रेंड्स। समर के सीज़न में उसको बिल्कुल अवॉइड करो, बरसात के दिनों में तो आप बिल्कुल उसको अवॉइड करें फ्रेंड्स, ना दें अपने प्लांट में। करते हैं फंगीसाइड की, फंगीसाइड आप साफ फंगीसाइड दे सकते हैं, वेबस्टीन भी दे सकते हैं, 15 दिन में एक बार आप दे सकते हैं, 2 ग्राम दे सकते हैं अपने प्लांट में फ्रेंड्स, और स्प्रे भी कर सकते हैं, मिट्टी में भी दे सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके प्लांट में इंसेक्ट का अटैक हुआ हो तो आप इंटरपीड का यूज़ कर सकते हैं, 2 ml आप 1 लीटर पानी में यूज़ कर सकते हैं, इमाइट के लिए भी है फ्रेंड्स, और कॉन्फिडर भी आप यूज़ कर सकते हैं, और जो ओबोरोन है वो तो सबसे अच्छी दवाई है फ्रेंड्स, थोड़ी कॉस्टली है और बहुत अच्छी दवाई है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट में, आपका प्लांट बिल्कुल इंसेक्ट फ्री और माइट फ्री हो जाएगा। करते हैं ऑर्गेनिक खाद की, तो ऑर्गेनिक में आप कोई भी कंपोस्ट डाल सकते हैं, बर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट, आप कोई भी कंपोस्ट खाओ, डंग कंपोस्ट डाल सकते हैं। ये डालने आपने 4 फुल हैंड, और नीम खली 2 फुल हैंड, सीवीड ग्रेनुअल जो होते हैं वो आपने 2 टीस्पून डालने, और जो रॉक फॉस्फेट है वो भी 2 स्पून डालने आपने, और एंजाइम है वो भी 2
टेबलस्पून आपने डालने हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार अपने सॉइल मीडिया में दे सकते हैं। जो सी वीड है बीच बीच में, उसका आप 5 ml सॉइल में दे सकते हैं, और जो 3 ml है वो आप प्लांट में स्प्रे कर सकते हैं 15 दिन में एक बार। फ्रेंड्स, जब भी हम ये फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो हमें इतना ही ध्यान रखना है कि जो हमारी सॉइल है वो थोड़ी नमी वाली हो, बिल्कुल ड्राई सॉइल में हमें लिक्विड देना है। फ्रेंड्स, जो हमारा ड्राई में हम देते हैं उसके लिए मॉइस्चर वाली सॉइल होना बहुत ज़रूरी है, उसको हम ड्राई सॉइल में नहीं देंगे। और गर्मी है, साथ में हम जो केमिकल फीडिंग देंगे ड्राई सॉइल में, तो हमारे प्लांट झुलस सकते हैं। तो इसलिए हमें जो ड्राई है उसके लिए नमी वाली मिट्टी चाहिए, और जो लिक्विड फॉर्म में देते हैं उसके लिए थोड़ी ऊपर वाली लेयर जो ड्राई हो जाती है, तब उसका हम इस्तेमाल सॉइल मीडिया में करेंगे। हम ड्राई यूज़ करेंगे तो ऐसी मॉइस्चर वाली मिट्टी हमारी होनी चाहिए, तब हम ड्राई फॉर्म में जो हम दे रहे हैं उसको हम यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं एक और फर्टिलाइज़र बताऊंगी आपको कि मैं कौन सा यूज़ किया था जो ऑर्गेनिक है, जो वेस्ट मटेरियल से हमारा बनता है। ये है बनाना पील, और इनको मैंने धूप में अच्छे से सुखाया है, सुखा के मैंने अच्छे से ड्राई किया है। इसके साथ हमारे जो ऑनियन पील्स निकलते हैं वो भी सुखाए मैंने अच्छे से अपने गार्डन में, मैं यूज़ करती हूँ और इससे भी बहुत अच्छे फ्लावर होते हैं। फ्रेंड्स, इनको मैं कैसे यूज़ करती हूँ मैं आपको बताती हूँ कि इनको छोटे छोटे टुकड़े करके मैं एक लफाफे में भर के रख देती हूँ, और उसके बाद मैं अपनी मिट्टी में कैसे यूज़ करती हूँ वो आपको मैं बताती हूँ। फ्रेंड्स, इसी मिट्टी की चारों तरफ आप इसकी जो स्टेम है उसकी तरफ करना आपने, और 4 मुट्ठी आपने ऐसे भर भर के चारों तरफ फैला के उसके ऊपर मिट्टी आपने डाल देनी। फ्रेंड्स, उसके बाद आपने वॉटरिंग करनी है। फ्रेंड्स, एक खाद में और डालती हूँ अपने प्लांट में, वो है यूज़ की हुई चाय पत्ती। उसको मैं अच्छे से धो के, उसमें दूध और चीनी होती है, उसको धो के अच्छे से धूप में सुखा के और अपने प्लांट में स्प्रिंकल कर देती हूँ। और चाय पत्ती आप दूसरी भी ले सकते हैं, जो यूज़ नहीं की होती उसको भी ले सकते हैं। कॉफ़ी पाउडर आप 1 चम्मच, आप 1 लीटर पानी में घोल के वो भी आप दे सकते हैं बीच बीच में। 15 दिन में एक बार हर खाद को आप यूज़ करें। फ्रेंड्स, हमारे समर का सीज़न है, उसमें तो हम ज़्यादातर ऑर्गेनिक यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो बनाना पेल, कॉफ़ी पाउडर और ये चाय पत्ती और ये जो ऑनियन पील्स है, ये बहुत ही अच्छी खाद है, इसको आप यूज़ करते रहें फ्रेंड्स। और हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत यूज़फुल होता है। फ्रेंड्स, इसे फेंकी नहीं, ये बहुत काम की चीज़ है पौधों के लिए। ऐसे ही आप केयर करें, और इसी तरह आप फ्लावर में भी बहुत ही फ्लावर बर्ड्स और फ्लावर खिलेंगे और ढेरों कलियाँ आएगी। फ्रेंड्स, जो इस तरह येलो के बर्ड्स और लीफ आपके प्लांट में होते हैं, खिलते नहीं हैं, गिर जाते हैं, उसके लिए आपने पोटाश और कैल्शियम की बराबर मात्रा में, यानी पोटाश में आप जो हम बोर्ड में लिखते हैं चौक है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, शहद को भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप जो चूना होता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, ऐसे करके अपने प्लांट की केयर करिए। फुल केयर टिप्स थी मेरी, जो मैंने अपने प्लांट में केयर की है, और मेरे प्लांट की तरह हेल्दी आपका प्लांट भी होगा। फ्रेंड्स, कि फ्रेंड्स अगर ज़्यादा गर्मी होती है समर ये तो आपके एरिया में, तो इसको थोड़ा शेडी एरिया या नेट में रखिए। फ्रेंड्स, ये फुल डिटेल थी मेरे हिबिस्कस प्लांट की जो मैं केयर करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, बाय एवरीवन।